ताज महल, द सिंबल ऑफ लव। वेल, पूरी दुनिया ताजमहल को जानती है उसकी ब्यूटी, उसकी सिमेट्री के लिए, इसलिए क्योंकि ये एसोसिएटेड है प्यार की निशानी से। वेल, दोस्तों, ताजमहल को बनवाया दैट टाइम एम्परर शाहजहां ने इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ मुमताज महल। शाहजहां अपनी वाइफ मुमताज से बहुत प्यार करते थे, वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त भी थे। वेल, इनके टोटल 14 चिल्ड्रन थे और अपने 14th चाइल्ड को बर्थ देते वक्त ही मुमताज महल की डेथ हो गई, जिसके बाद शाहजहां का दिल टूट गया और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी ब्यूटीफुल वाइफ की याद में एक प्यार की निशानी बनवाएंगे, जिसे वो कहेंगे ताज महल। वेल, दोस्तों, ताजमहल को बनवाने के लिए 2000 से ज्यादा वर्कर्स लगे। इनफैक्ट 1000 से ज्यादा एलिफेंट्स की मदद से मटेरियल ट्रांसपोर्ट किया जाता था। वेल, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वाइट मार्बल में बना है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। वेल, हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया ताजमहल को उसकी खूबसूरती के लिए जानती है। दोस्तों, ताजमहल की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसके टॉम स्ट्रक्चर को बनाने के लिए लगभग 12 साल लगे, और क्योंकि ये प्रोजेक्ट अपने आप में इतना बड़ा है कि यहां पर एक मॉस्क है, गेटवे है, पाथवेज है, सो यहां पर इस बाकी के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 10 साल और लगे, यानी कि लगभग 22 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। वेल, कंप्लीट तो हुआ, लेकिन क्या कंप्लीट हुआ दोस्तों, इतना खूबसूरत है ताजमहल अपने आप में। वेल, कहा तो ये भी जाता है कि ताजमहल के बारे में शाहजहां ने एक चीज और डिसाइड की थी। उन्होंने डिसाइड किया था कि वो यमुना रिवर के बैंक्स पर ही ताजमहल से अलग एक और ब्लैक ताजमहल बनवाएंगे। वेल, ये सच है नहीं, ये तो हम एग्जैक्टली नहीं जानते हैं, बट कहा तो यही जाता है। इनफैक्ट उनका ये भी कहना था कि जब वो मरेंगे या उनकी डेथ होगी तो उन्हें अपनी वाइफ के साथ ताजमहल में बरी ना किया जाए, लेकिन जब उनके सन ने थ्रोन को संभाला तो उन्होंने यही किया। उन्होंने शाहजहां को ताजमहल के अंदर ही मुमताज की टॉम के साथ ही बरी किया। इनफैक्ट उनकी टॉम के साथ ही एक थोड़ी सी बड़ी टॉम बनाकर वहां पर उन्हें बरी किया गया, और यही एक इकलौता पॉइंट है ताजमहल के अंदर जहां पर सिमेट्री ब्रेक हो रही है, क्योंकि शाहजहां की टॉम मुमताज महल की टॉम से थोड़ी सी बड़ी है। वेल, वो जो भी हो, लेकिन ताजमहल अपने आप में एक मिसाल है दोस्तों। असल में इसीलिए तो इसे कहा जाता है कि हम इसे डिस्क्राइब करते हैं एज पोएट्री इन स्टोन, एज टीयर ड्रॉप ऑन द चीक ऑफ टाइम। एंड वेल, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इंडिया का एक सिंबल है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो दोस्तों, ताजमहल है ना अपने आप में कितना खास, और इसकी स्टोरी कितनी खास है। वेल, प्यार की निशानी है, खास तो होगी ही। तो दोस्तों, इसी के साथ हमने आज सीख लिया है इंडिया के बारे में एक और मजेदार बात। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, डिस्कस करेंगे कुछ और अमेजिंग फैक्ट्स। सो आई विल सी यू देयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैम्पल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।